Right now and press the bell icon. Never miss an update. आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन के अंदर आप अपना बैंक अकाउंट कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों आप जब भी ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो उस पर लिखा आ रहा है वेरीफाई नो, तो आप वेरीफाई नो की जगह इंस्टेंट विदड्रॉ का जो ऑप्शन है कैसे लेके आ सकते हैं, पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना बैंक अकाउंट कैसे वेरीफाई कर सकते हैं ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन के अंदर। दोस्तों इजीली बिल्कुल आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप अपना बैंक अकाउंट ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन के अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं। आपको बिल्कुल दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए आपको बिल्कुल ईजी वे में ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन के अंदर आप अपना बैंक अकाउंट कैसे ऐड कर सकते हैं। उसमें आप वेरीफाई नो की जगह पे जो आपको देखने को मिलता है विड्रा इंस्टेंटली, वो ऑप्शन कैसे आएगा पूरा प्रोसेस इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, टॉप पे आपको लेफ्ट साइड क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल इजीली आपको बताने वाला हूँ कि आपको माई बैलेंस पे क्लिक करना है। टॉप पे आपको चले जाना, लेफ्ट साइड आपको क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपको माई बैलेंस पे चले जाना। माई बैलेंस पे जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं वेरीफाई नो लिखा। अब वेरीफाई नो की जगह पे विड्रा इंस्टेंटली जरूर आएगा, सभी के अकाउंट में आएगा। आपको करना क्या, बिल्कुल आपको देखिएगा, आपको पूरा वीडियो देखना, वीडियो में आपको बिल्कुल भी एक भी पार्ट स्किप नहीं करना। अब करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं वेरीफाई नो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाई है, ईमेल आईडी मेरी वेरीफाई है, मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे वही डाला हुआ जो मेरे बैंक अकाउंट के साथ लिंक है। ध्यान देना दोस्तों, मोबाइल नंबर आपको वही डालना जो आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पैन कार्ड भी वेरीफाई है। पैन कार्ड आप, ये नहीं है कि पैन कार्ड आप अपना यहाँ पे डालो, अकाउंट नंबर किसी दूसरे का, पैन कार्ड आप अपने पापा का या अपने ब्रदर का लगा देते हो, यहाँ पे अकाउंट नंबर अपना डालते हो। लेकिन दोस्तों ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना, अगर आप ऐसा करते हो पैन कार्ड किसी का, अकाउंट नंबर किसी दूसरे का, तो आपके बैंक खाते में पैसे जो विड्रा करेंगे बिल्कुल भी नहीं आएंगे। 30-40-50 दिन के बाद भी आपके पैसे बैंक अकाउंट में आने वाले नहीं हैं। ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं दोहरानी कि आप पैन कार्ड किसी दूसरे का, अकाउंट नंबर किसी दूसरे का लगाते हो तो आपके बैंक खाते में पैसे नहीं आने वाले। अब दोस्तों आपको करना क्या है, तीनों चीज़ें यहाँ पे मेरी वेरीफाई, अब यहाँ पे देख सकते हैं बैंक अकाउंट, तो आपको वेरीफाई लिखा आ रहा है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना। अब दोस्तों करना क्या है, यहाँ पे अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल दिया। दोबारा आपको दोस्तों वही अपना अकाउंट नंबर सेकंड यहाँ पे देख सकते हैं, रीटाइप अकाउंट नंबर, आपको ऊपर अपना अकाउंट नंबर डालना, नीचे दोबारा आपको अपना अकाउंट नंबर डालना। थर्ड नंबर पे आपको क्या करना, आईएफएससी कोड, एक बैंक का कोड होता है जो आपके बैंक के फ्रंट कॉपी पे आपको मिल जाएगा आपका आईएफएससी कोड। अगर नहीं मिल रहा तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं अपनी ब्रांच का आईएफएससी कोड। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आईएफएससी कोड फिल करने के बाद आपका बैंक का नेम यहाँ पे आ जाएगा, आपकी ब्रांच नेम भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, स्टेट भी आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे दोस्तों ऑप्शन देखने की मिल रही होगी, ध्यान देना, अब यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रही होगी अपलोड बैंक प्रूफ। अपलोड बैंक प्रूफ क्या होता है कि आपका जो बैंक का कॉपी होता है, पासबुक होती है आपकी बैंक की, उसकी जो फ्रंट आपको पेज देखने को मिलेगा, यहाँ पे अकाउंट नंबर, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपके पिता का नाम यहाँ पे आपको मेंशन हुआ फ्रंट पेज पे जहाँ मिल रहा होगा। अकाउंट नंबर ध्यान देना, अकाउंट नंबर, नेम, एड्रेस, आपका फादर नेम, सभी डिटेल जिस पेज में लिखी होगी वो आपको अपने फ़ोन के अंदर उस पिक्चर क्लिक कर लेनी है उस फ्रंट पेपर की। अब मैंने अपने यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड बैंक प्रूफ, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर देख सकते हैं अपलोडेड डॉक्यूमेंट फ्रॉम गैलरी, यहाँ पर मैं देखता हूँ। अभी मैंने यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपना यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बैंक की कॉपी यहाँ पे फ्रंट पेपर है जो उसका मैंने पिक्चर क्लिक की। अब यहाँ पे डन की ऑप्शन देखने को मिली, मैंने ये अपनी जो फ्रंट पेपर की जो मैंने पिक्चर क्लिक कर रखी थी अपनी बैंक की पासबुक की, वो मैंने यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड कर लिया। अब नीचे ऑप्शन देखने को मिल रही होगी सबमिट डिटेल, तो जैसे मैं सबमिट डिटेल पर क्लिक करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना वेरीफाई नो लिखा रहा था। अब दोस्तों देख सकते हैं इन रिव्यू, देखना दोस्तों मैंने सभी डिटेल बिल्कुल अपनी यहाँ पे गलत नहीं डाली। मोबाइल नंबर मैंने वही डाला जो बैंक अकाउंट के साथ लिंक है, ईमेल आईडी का पासवर्ड भी मुझे पता, उस पर एक कोड भी आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब दोस्तों देखना पैन कार्ड मैंने अपना डाला, अकाउंट नंबर भी मैंने अपना डाला, तो यहाँ पे ऑप्शन देखने को ज़रूर मिलेगी यहाँ पे विड्रा इंस्टेंटली। यहाँ पे देख सकते हैं इन रिव्यू आ रहा, 5-10 मिनट के अंदर ही ये अकाउंट, यहाँ पे मैं अभी बंद करके आपको दोबारा दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे
रिफ्रेश करके यहाँ पे एक ही मिनट में यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने बिल्कुल भी वीडियो जो कट नहीं की, यहाँ पे देख सकते हैं अनकट वीडियो है। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं वही बैलेंस आप देख सकते हैं, टोटल बैलेंस भी उतना ही था जितना वेरीफाई नो की जगह पे जो बैलेंस आ रहा था वही आ रहा, बिल्कुल आप सेम देख सकते हैं। बैकग्राउंड में वीडियो में जाके देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं वेरीफाई नो की जगह पे विड्रा इंस्टेंटली आ रहा है। तो ऐसे आप अपने फ़ोन के अंदर अपना बैंक अकाउंट ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन के अंदर बिल्कुल ईजिली लिंक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसी और ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कोई भी आपको दिक्कत आ रही हो बेझिझक आप नीचे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है।